हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मुमरा देवी माता जी के दर्शन करने के लिए, जो कि मेरे दिल के बहुत क्लोज़ है वो मंदिर। हर बार मुझे कुछ भी तकलीफ़ होता है या कुछ भी मुझे कुछ आंसर्स नहीं मिलते हैं या कुछ भी ऐसा होते हैं डाउट्स, तो मैं ज़रूर माता जी के दर्शन करने जाता हूँ। तो इस बार हम फिर से जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। तो ये मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर मुंबई में मुमरा स्टेशन है, वहाँ से लगभग 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मैं आपको सब डिटेल्स बता दूंगा। तो अभी जाते हैं और मंदिर पहुँचते हैं और फिर वो मंदिर की कुछ बातें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जितना मुझे पता है। तो अभी जाते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट, मिलते हैं रास्ते में। तो तब तक के लिए कनेक्ट रहिए मेरे से। तो जाते हैं मंदिर और स्टेशन से गेट नंबर 4 ईट से आपको बाहर आना है। जो मैंने फ़ोटो शूट किया भी है वहाँ पे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। वहाँ से कुछ बाहर ही है, 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो एक मंदिर देखा है आपको मैंने, जो चलते वक्त आ जाता है। तो अभी जाते हैं ऊपर। सो फाइनली अभी देखते हैं, थोड़ा बैठते हैं। धूप बहुत, एक्चुअली 2:30 बज रहे हैं, तो आपको पता है मुंबई की धूप कैसी होती है। तो एक हॉट लिया और मैं विदाउट चप्पल हूँ, जो आपको पता है हर बार मैं ऐसे ही आता हूँ। तो अभी थोड़ा ही ऊपर है, लगभग पीछे से आपको दिख ही रहा होगा मंदिर। तो कुछ ही देर में, अभी 5-10 मिनट में होप सो पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे टेबले हुए हैं, ये जगह ज़्यादा रिस्क लेकर मत आओ, जो चढ़ने वाला है बैठ के आओ। हमें टेबल लगे हुए हैं, तो आराम से मज़े लेके माता जी के दर्शन कीजिए। तो हमने भी अभी 5 मिनट का ब्रेक लिया है, फिर वापस ऊपर जाएंगे और आपसे कनेक्ट करेंगे।
कट चुका है हमारा, पर यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जैसे हमको शूट करना अलाउ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ के रूल्स फॉलो करेंगे हम। ठीक है, तो एकदम अच्छे से दर्शन हो गए हैं हमारे, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुए, लगभग 15 से 20 मिनट्स में हम ऊपर आ भी गए हैं बिल्कुल ईजीली। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं और फिर वापस घर जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मैं हमेशा आता रहता हूँ और मुझे सुकून सा वाइब मिलता है यहाँ पे, जैसे अपने घर पे ही आ गया हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए। तो ये एक प्राचीन मंदिर में से एक है, तो यहाँ पे अगर सच्चे मन से अगर आप कोई मन्नत करते हैं या कुछ भी ऐसे हैं आपके मन में, तो माता जी ज़रूर पूरा करती हैं। नौ देवी का मंदिर है और एक अपनी दसवीं मुमरा देवी माँ जो कि यहाँ पे हैं, आप आ सकते हैं यहाँ पे, इतना दूर भी नहीं है। तो जो भी आपके मन में कुछ है, डाउट्स हैं, मन्नत आपकी है कुछ भी, तो आप माँ से ज़रूर मांगिए, माँ उसको ज़रूर पूरा करेंगी, ये मेरा विश्वास है इनके ऊपर। तो अभी जाते हैं नीचे, फिर कुछ मांगेंगे। आप रूम में देख सकते हैं। तो होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कुछ भी सजेशंस हो तो कमेंट करके बताइए। अगर रास्ते में कुछ आपको मिल नहीं रहा है रास्ता, या मंदिर जाना है आपको, कुछ भी आपको मुझसे पूछने सवाल, तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। प्लीज़ ये ब्लॉग को शेयर कीजिए, क्योंकि ये ब्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे। आप हर ब्लॉग में इतना सपोर्ट करते ही हैं, मुझे पता ही है, तो इस ब्लॉग में थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा मुझे। तो ये ब्लॉग इसके लिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल के बहुत ही क्लोज था, उसको शूट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटमेंट में था, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी है अपनी। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, दुआ में याद रखिए।